और अनुपमा भोली है, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं कि फोटो देखकर भी विश्वास ना करे। फाइन, अनिरुद्ध को रोकना है ना, मैं रोकूंगी, फिर चाहे बात हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, हाथापाई हो, जो भी हो, आई डू इट। तुम जाओ और अपने बेटे की सगाई देखो, मेरे साथ जो होगा मैं देख लूंगी। एंड आई प्रोमिस यू वन थिंग, इस बार मैं भागकर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आऊंगी। काव्या, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं काव्या? तो मैं भी तुम्हें कैसे समझाऊंगी? अनिरुद्ध की एक्शंस के लिए आई एम नॉट आंसरेबल। तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं काव्या, पर वो मेरे बेटे की सगाई तोड़ने की धमकी देके गया है। मेरा स्ट्रेस लेना जस्टिफाइड नहीं है क्या? एनीवेज, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? नहीं, मुझे लॉयर के पास जाना है, तुम मुझे शाम को पिकअप कर लोगे? ओके। वी वी, तो मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? ये कैसा सवाल है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था वी। ऐसा सवाल तुम्हारे दिमाग में आना भी नहीं चाहिए काव्या। पापा मम्मी जानना चाहती है आपको कौन सी साड़ी पसंद है। शी इज वेटिंग। एक तो ये अनिरुद्ध ने जीना हराम किया हुआ है, ऊपर से अनुपमा के साथ ये ड्रामा करना पड़ रहा है। भाभी, मोटा भाई का फोन है। एक मिनट। हाँ, वो फोटो मैंने नहीं भेजा था, वो समर ने भेज दिया। वो आप काम में होंगे, डिस्टर्ब किया। तुम वो पिंक वाली साड़ी ले लो, अच्छी लग रही है। क्या पिंक? हाँ, पिंक कलर तुम पे जचता है। थैंक यू। आपको काम के बीच में परेशान किया, उसके लिए सॉरी। सॉरी? सॉरी। अच्छा, वो काव्या अपने घर गई है सामान लेने के लिए, तो अकेले कैसे आएगी? आप उसे लेकर आएंगे? हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगा काव्या से। तुम वो पिंक वाली साड़ी ले लेना। जी। भाभी ये देखिए ना, आई थिंक ये साड़ी आप पे बेस्ट लगेगी, आप यही साड़ी लेना। नहीं नहीं, ये वाली ज्यादा अच्छी है। मम्मी प्लीज, हाँ ये ना बहुत चीप सी है। भाभी आप यही वाली साड़ी लेना। नहीं 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 नहीं, आंटी हा? आप ये पिंक वाली साड़ी ट्राई कीजिए। हाँ मम्मी, नहीं ये पिंक कलर ना आप पे बहुत जचता है, पापा भी कह रहे थे ना उस दिन। समर दिखा तो जरा। भाभी समर ना सही कह रहा है, पिंक वाली साड़ी ना बहुत सुंदर है, आप ना यही साड़ी पहनना। तो ठीक है डोली बहन, जैसा आपको ठीक लगे। नहीं नहीं, इसका तो रंग ही अच्छा है, कपड़ा ठीक नहीं है, दो तीन धुलाई में तो खराब हो जाएगी। वाह, आप कितनी भी धुलाई करवा लीजिए पर इसका कलर नहीं जाएगा। अगर ये कपड़ा खराब निकला ना तो पूरे पैसे आपको वापस कर दूंगा मैं। हाँ अरे, पैसे वापस करने के लिए क्या हम आपको ढूंढते रहेंगे? हमें झंझट में पड़ना ही नहीं है ना। ये नहीं, कोई और अच्छी वाली साड़ी दिखाओ। मम्मी मुझे अच्छे से पता है कि आपको इस साड़ी में क्या प्रॉब्लम है, तमे चने रेवाज दो। भाभी ये वाली साड़ी ना मेरे और संजय की तरफ से आपके लिए। नहीं टोली बहन, कितनी महंगी? महंगी हो या सस्ती हो, भाभी को पसंद है ना, तो हम यही साड़ी खरीदेंगे। नहीं डोली बहन, इतनी महंगी साड़ी नहीं, कोई और देख लीजिए ना। अरे भाभी, कोई और नहीं, अब आप यही साड़ी पहनेंगी। ओ नानी, आप कितनी कंजूस हो। शाबाश बेटा। अच्छा हुआ भोली अपनी माँ पर नहीं गई। भोली? डॉली मामा जी, डॉली। मने रिमेम्बर से। मम्मी आपकी साड़ी।
अरे बा, कामिनी चाची का फोन आया था, वो आ रही है। सच? कामिनी आ रही है? नहीं, कह दो ये झूठ है। चुप कर भैलू। और आप जब भी मेरे मायके वाले आते हैं ना, आपको खुशी नहीं होती है? ऐसा होता तो ये मेरी यादों की बारात अभी तक यहाँ नहीं होता। और कोई होती ना तो बात अलग थी दीदी, लेकिन दामिनी। कामिनी? हाँ, आई नो, मने रिमेम्बर से। मेरी बहन की बहू कामिनी ने आपका क्या बिगाड़ा है जो ऐसा बोल रहे हो? लीला, वो तुम्हारी बहन की बहू कम, तुम्हारी बेटी ज्यादा लगती है। जीजू, दोनों सेम टू सेम, एक करेला दूसरा नीम। क्या कहा आपने? मैंने कुछ नहीं कहा। कहेगी तो वो मैं कामिनी हूँ, कामिनी नहीं। संजय भाई, क्या बात है? आज आप ऐसे छुप छुप से क्यों बैठे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं भाभी। कुछ बात तो जरूर है, ये माहौल में आप ऐसे बैठे हैं, बताइए ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है भाभी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। काफिया, आ गए आप लोग? अच्छा, क्या बैठिए ना संजय भाई, प्लीज। अरे तू फिर आ गई? नहीं नहीं, मुझे लगा कि अपने घर जा रही है तो वापस आने का मन नहीं होगा। अपना घर तो अपना ही होता है ना। लीजिए। अच्छा हुआ आप इसे ले आए, मुझे तो चिंता ही हो गई थी। वैसे इतनी देर क्यों लग गई? वो मुझे लॉयर के पास जाना था ना, इसीलिए। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। समर भैया, देखो ना ये वाईफाई नहीं चल रहा है, देखो ना। अरे समर, ये वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है? देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, एक सेकंड। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, डोंट डू दिस। इनके बच्चों की लाइफ मत बर्बाद करो प्लीज। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते, तो जस्ट इमेजिन, ये फोटो अगर लीक हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? भेजू नहीं भेजू? भेजू। सॉरी काव्या, पर तुम्हें उस गलत आदमी से बचाने के लिए मुझे ये गलत काम करना पड़ेगा। What? I don't believe it. मेरा काम इतनी जल्दी हो गया? वाओ। भैया जल्दी करो ना, मेरी फ्रेंड ने मुझे होमवर्क सेंड किया है। अरे मेरी माँ, थोड़ा सा पेशेंस। वाईफाई राउटर रीस्टार्ट किया है, लेट्स जस्ट होप इससे हो जाए। ओ हेलो मिस लॉल, जब से तुम्हें वाईफाई का पासवर्ड दिया ना, तब से ये हो रहा है, कहीं तुम पूरा डेटा हजम तो नहीं कर गई? ओ हेलो, इंटरनेट चलना भी तो चाहिए ना, अभी तक एक वीडियो अपलोड नहीं हुई है। अरे हो गई, वीडियो अपलोड हो गई। थैंक गॉड। The
तीर कमान से निकल चुका है काव्या, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चीयर्स। ऐसा कौन है जो सबको एक साथ मैसेज कर रहा है? अरे नानी, अभी अभी इंटरनेट आया है ना, तो सबको एक साथ मैसेज रिसीव हो रहा है। बात क्या है, क्या लिखा है, सब ठीक है ना? तोसो के पापा, क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ मेरा सर, ये देख, तेरी हाईफाई समदन ने वाईफाई पे सबको सगाई का न्योता भेजा है, और वो भी फोन पे। नकार, नशागुन की मिठाई, बस फोन पे न्योता लिखकर भेज दिया। ऐसे तो बहुत सर उठा के यहाँ चली आती है, हाँ? एक न्योता देने यहाँ नहीं आ सकती? अरे ऐसे तो हम हमारे दूर के रिश्तेदारों को भी ना न्योता नहीं देते, और उसने समदन को भेज दिया। उस औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वो हो सकता है कि उन लोग के यहाँ ऐसे ही न्योता भेजते हो। तो अब भी उसकी तरफदारी कर रही है? अरे उसने हमारी इज्जत की चटनी बना ली है, और फिर भी उसी का पक्ष ले रही है। 5 लाख की अंगूठी तो मुंह फाड़ के मांग ली, और वो न्योते पे एक खर्चा नहीं कर सकती। वाह भाई वाह, देखो। शांत, शांत। क्या शांत? Look at this invitation. Short notice पे काफी अच्छा बनाया है। Nice ना? बहुत अच्छा है, पर कम से कम हमें परितोष की फैमिली को इनवाइट करने पसंद नहीं जाना चाहिए। No need. एक तो टाइम नहीं है, दूसरा आजकल इनविटेशन का ट्रेंड है, और वैसे भी उन लोगों ने इस तरह का स्टाइलिश इनविटेशन आज तक देखा नहीं होगा। आई एम श्योर इसे देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई होगी। अच्छा हुआ कि फोन से सिर्फ न्योता ही भेजा जा सकता है, वरना किंजल की माँ उसकी विदाई भी मोबाइल से ही करवा देती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।